नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी स्पिरिचुअल में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहाँ हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्र के चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 28 दिसंबर सोमवार का शुभ दिन है और आज महादेव की कृपा कुछ राशियों पर रहने वाला है। महादेव की विशेष कृपा कुछ राशियों पर होने वाला है, जिससे इनका भाग्य बदल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज दिन का अधिकतर समय परिवार के लोगों के साथ किसी विशेष योजना संबंधी विचार विमर्श में व्यतीत होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से बहुत अच्छा महसूस होगा। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आपका अत्यधिक समय व्यतीत होगा। मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा कोई ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। महिलाएं घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज किसी पारिवारिक रुके हुए कार्य को पूर्ण करेंगे, इससे घर में बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, खुशी भरा माहौल रहेगा। आपकी प्रतिभा और योग्यता का सामाजिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थान संबंधी कोई योजना भी कार्य रूप में परिणित होगी। पारिवारिक व्यवसाय में सभी सदस्यों को आपसी तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। अभी किसी भी प्रकार का बदलाव या नया कार्य शुरू करने संबंधी कोई कार्यवाही ना करें। इस समय मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। घर की देखभाल में जीवन साथी का उचित सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। से निजात दिलाएगा। सर्वाइकल और कंधों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। कुछ समय योगा और व्यायाम में भी व्यतीत करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। मकान दुकान आदि से संबंधित रखरखाव और मरम्मत संबंधी प्लानिंग होगी। समय उत्तम है। आपको अपने कार्यों तथा मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। समय और सितारे आपके पक्ष में हैं। आप किसी भी तरह अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, परंतु किसी को भी पैसा या माल उधार ना दे, नुकसान हो सकता है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। खान पान में लापरवाही की वजह से गला खराब हो सकता है तथा खांसी की समस्या भी बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी मिलेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी खास मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। इस समय किस्मत उन्नति के शुभ अवसर बन रहे हैं। कुछ समय से चल रही चिंताओं से राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की सभी छोटी मोटी जरूरत पूरा करने में आपको आनंद मिलेगा। आर्थिक पक्ष भी पहले से अधिक मजबूत होगा। कामकाज में लिए गए कुछ ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार फिर पुनर्विचार करना जरूरी है। इस समय पैसा लगाते समय बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। बच्चे तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। इस समय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। आप अपनी योग्यता व प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी हासिल करने में समर्थ रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है।
पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? लाभदायक समय है, किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। पति पत्नी तथा घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति रह सकती है। चलिए बात करते हैं अगली राशि। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? पुरानी गलतियों से सीख कर आज आप कुछ बेहतरीन नीतियों पर विचार करेंगे और स्वयं को बेहतर स्थिति में महसूस भी करेंगे। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल तथा विचार विमर्श आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? पिछले कुछ समय से चल रही परेशानी में नजदीकी मित्र अथवा संबंधी का सहयोग मिलेगा। जायदाद संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति का सानिध्य आपकी विचारधारा में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। संतान द्वारा भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? समय की गति आपके पक्ष में है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से आवभगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा तथा उपहारों का भी आदान प्रदान रहेगा। कोई बड़ा निवेश करने के लिए भी समय उचित है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुतिक रिपोर्ट।